हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि सबको पता है कि हमारे चैनल पे नर्सिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। सो साथ साथ में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी, मतलब जो भी अपने पेपर्स में 80-20 मीन्स 80 नर्सिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और 20% नॉन नर्सिंग, तो उसका भी सिलेबस साथ साथ में कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी DHSC के अभी DHS एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 20% सिलेबस नॉन नर्सिंग का है, तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखो, जैसे कि नॉन नर्सिंग सिलेबस है, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक आते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। जिनको भी नहीं पता, जिन्होंने नहीं देखे है, वो जाके आप देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या पिन कॉमेंट में या कॉमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, तो उसके जनरल अवेयरनेस, इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोलार सिस्टम से। कौन सा टॉपिक? सोलार सिस्टम। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जिनको नहीं भी समझ रहा है वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मुझे भी पता है ये 10th के बाद में अपना सब्जेक्ट छूट जाता है और फिर बाद में समझने के लिए थोड़ी परेशानी होती है, बट इसे हम इजीली इन इजी वे, सिंपल वे में डील करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक, सोलार सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है? प्लैनेट्स। व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट मींस क्या? प्लैनेट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स अराउंड द स्टार इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ठीक है, प्लैनेट्स ये ऑब्जेक्ट्स है। ये सारे जो प्लैनेट दिख रहे हैं आपको, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो स्टार है मींस जो सन है उसके आजू बाजू में घूम रहे, बट कैसे घूम रहे? एक इलेप्टिकल पाथ में। उनका सबका एक पाथ डिसाइडेड है, वो किसी के रास्ते में नहीं जाते। मींस जैसे नेपच्यून यूरेनस के रास्ते में नहीं जाएगा और यूरेनस सैटर्न के रास्ते में नहीं जाएगा। ठीक है, ये समझ गया? प्लैनेट की डेफिनेशन आपको समझ गई? देखो, अभी अपन एक एक प्लैनेट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे पहले आपको समझा के बताऊंगी थ्योरी, उसके बाद में MCQ भी है। इसमें देखो, ये सन, इसके आजू बाजू में कौन से स्टार्स, सॉरी, ये सन इसके आजू बाजू में कौन से ऑब्जेक्ट्स मीन्स कौन से प्लैनेट घूम रहे? तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको? मर्क्यूरी दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है? वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, अभी एक एक को हम डिस्कस करेंगे क्या है इसमें। ठीक है, तो चलो देखो, अभी हमने सारे प्लैनेट्स के नाम देखे, तो टोटल कितने प्लैनेट है, किसी ने काउंट किया क्या? 8 प्लैनेट्स है ना, टोटल 8 प्लैनेट है। हम स्टार्ट करेंगे मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी इज द फर्स्ट, क्योंकि ये सन के एकदम पास में है। अभी मर्क्यूरी की क्या स्पेशलिटी है वो देखते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी फर्स्ट है, मतलब सन के एकदम साइड में, और इसको बोलते हैं सबसे छोटा मींस स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ये जो 8 प्लैनेट है उसमें से स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज द मर्क्यूरी। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? वीनस। फर्स्ट हुआ मर्क्यूरी, सेकंड वीनस। सो मर्क्यूरी तो फर्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन था, तो ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, वीनस को क्या बोला जाता है? वीनस को अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, ट्विंस। ठीक है, अर्थ और वीनस ट्विंस है, ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता होगा? क्योंकि दोनों का साइज और डेंसिटी सेम है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्विंस ऑफ द अर्थ ऐसे बोला जाता है। और पूरे सोलर सिस्टम में से सबसे हॉटेस्ट कौन सा है? पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो भी है, इट इज वीनस, हॉटेस्ट। ठीक है, मतलब क्या? ये सेकंड है सन से, मतलब मर्क्यूरी के बाद में, उसके बाद में इसको अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है, और ये सबसे हॉटेस्ट है। आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? जहां पे हमारा घर है, दैट इज अर्थ। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? अर्थ। सो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट।
मतलब फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, ये भी बताऊंगी, बट ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके हाँ, ये देखो, ये मैंने बताया अभी कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम में से। ये हो गई अपनी अर्थ, देखो ये अर्थ है। ये कुछ ओवल शेप में है क्या, स्फेरिकल शेप में है क्या? नहीं, ये आपको दिख रहा होगा यहां से बड़ा है, है ना? ये मत समझना कि मैंने गलती से निकाला, बट मैंने ये जो पोर्शन है ये बल्जिंग निकाला है, थोड़ा सा फुगा हुआ है ना, बल्ज है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं अपन, पोल्स बोलते हैं इसको, क्या एक मिनट था, हाँ इसको क्या बोलेंगे, ये पोल्स है। ये ऊपर वाला कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला साउथ पोल। तो ये जो अपनी अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के से फ्लैट है, ठीक है? इसलिए इसका शेप थोड़ा अजीब गजीब है। ओके, सो इसके शेप को अपन जियोइड शेप भी बोलते हैं। कौन सा? जियोइड शेप। एकदम स्पेरिकल है नहीं, इट इज लाइक अ स्पेरिकल, ठीक है? ये इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ये इक्वेटर से बल्जिंग है और पोल के पोल से फ्लैट एंड है। सो अभी ये तो हमको पता चल गया अर्थ का शेप। उसके बाद में अर्थ पे कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट बाकी गैसेस है, ये भी एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सब कुछ। जब अर्थ पढ़ाऊंगी, अर्थ के बारे में सब पढ़ेंगे अपन, वहां पे डिटेल देख लेंगे। फिर भी देख लो, 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन, और 1% क्या है, अदर गैसेस। इतना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या आया, मार्स। तो ये क्या है, ये फोर्थ नंबर का प्लैनेट है, समझ गया आपको? बता दो, एक बार रिवाइज करते हैं, नहीं तो पता चला पीछे का भूल गए। सबसे पहला क्या, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, और फिर फोर्थ नंबर पे आया मार्स, ठीक है? इसको, ये रेड कलर का होता है, इसको रेडिश बॉल भी बोलते हैं, रेडिश बॉल, ठीक है? क्यों बोलते हैं ये रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन जो मिनरल है, आयरन वो सबसे ज्यादा है इसके सरफेस पे, ठीक है? उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे CO2 भी है और वाटर वेपर्स भी है। ये याद रखो, रेडिश बॉल बोलते हैं जस्ट बिकॉज कि वहां पे आयरन प्रेजेंट है, ठीक है? नेक्स्ट प्लैनेट देखते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट क्या है, जुपिटर। कौन से नंबर का हुआ ये, फिफ्थ नंबर का हुआ। इस ये सबसे बड़ा है, दिस इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, आगे वाला देखते हैं अभी। नेक्स्ट कौन सा है, सैटर्न। इसका क्या है, ये सिक्स नंबर का प्लैनेट है, ठीक है? मुझे बताना आप कमेंट में, अभी कमेंट करना कि रिंग जो होती है वो कौन से प्लैनेट को होती है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे अभी। नेक्स्ट क्या आएगा, यूरेनस। यूरेनस को हम क्या बोलेंगे, यूरेनस इज नोन एज आइस जायंट, है ना? यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसको आइस जायंट बोलेंगे इस प्लैनेट को। सबसे लास्ट में है नेपच्यून। ओके, नेपच्यून ये तो सबसे लास्ट हो गया, तो इसका मतलब ये सबसे दूर हो गया सन से, है ना? साथ साथ यूरेनस, ये दोनों भाई मींस इन दोनों को ट्विंस बोलते हैं। अर्थ का ट्विंस क्या बताया था, कमेंट में लिखो, और अभी नेपच्यून का ट्विंस क्या बताया वो भी कमेंट में लिखो, ठीक है? चलो अभी जितना पढ़े उतना एक बार याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, मर्क्यूरी, मतलब ये समझो सन है, हमने स्टार्ट कहां से किया, मर्क्यूरी से। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या आया है, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। अभी भूलोगे तो नहीं ना आगे, इजी है याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि फिफ्थ नंबर का प्लैनेट कौन सा है, उसके बाद में ब्लू किसको, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आपके ये भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, जहां पे भी जरूरत पड़ी मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी तो पढ़ा दी, इसका मतलब आपका थोड़ा तो नॉलेज आपको आया होगा, जिनको
कुछ भी नहीं पता था, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी फटाफट फटाफट आंसर देने हैं कमेंट्स में, जहां पे मैंने जो पढ़ाई नहीं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। ओके चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, टोटल हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये तो अभी बताया मैंने कितने प्लैनेट्स है, ऑफकोर्स 8 प्लैनेट्स, सभी का आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बताओ। अभी मैंने बताया कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यस इट्स जुपिटर, समझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले लार्जेस्ट पूछा, अभी स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। लार्जेस्ट आपको सबको पता है जुपिटर है, स्मॉलेस्ट बताओ कमेंट में लिखो, इट्स अ मर्क्यूरी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट इज नोन एज, ये ब्लू है, ब्लर नहीं, ब्लू, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को, मर्क्यूरी को, नेपच्यून को, सैटर्न को, किसको बोलते हैं, ऑफकोर्स ये अर्थ को बोलते हैं। क्यों अर्थ को बोलते हैं, आपको पता है कि अर्थ में कितना पानी है, कितने ओशंस है ना हमारे अर्थ में, बहुत सारे, बहुत सारे मतलब 5, तो उसके वजह से अर्थ ब्लू कलर की दिखती है ऊपर से देखा जाए तो, ठीक है, इसलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अभी देखो क्या है क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट किसे बोलेंगे, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलेंगे, याद रखो किसको, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलेंगे। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है पूरे सोलर सिस्टम में से, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द वीनस, कौन सा है, वीनस, वीनस कौन से नंबर का है कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे बताना है, आंसर देना है, वीनस कौन से नंबर का प्लैनेट है सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे ठंडा कौन सा है, यूरेनस ही है, यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं और इस ये कोल्डेस्ट भी है, कोल्डेस्ट है इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर है -224 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इसलिए इसको सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं। हाँ जैसे कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस, और सेकंड कोल्डेस्ट किसी ने पूछा तो आपको आंसर देना है नेपच्यून, कौन सा, नेपच्यून, फर्स्ट कोल्डेस्ट यूरेनस, सेकंड कोल्डेस्ट नेपच्यून, इसका टेम्परेचर कितना है -214 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन देखो, विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, दिए गए ऑप्शन में से इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को बोलते हैं, किसको बोलेंगे, वीनस को, ओके देखो वीनस के बारे में मैंने कितना सारा बताया है तो भूलना नहीं है। हाँ इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को, और उसके बाद में इसको ये ब्राइटेस्ट भी प्लैनेट था पूरे सोलर सिस्टम में से, और साथ साथ हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, यहाँ का टेम्परेचर है 462 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा है, हॉटेस्ट भी है वीनस, आएगा आगे क्वेश्चन तो मैं बताती हूँ तब। हाँ आ गया क्वेश्चन देखो, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कौन सा है, वीनस, टेम्परेचर तो मैंने अभी बताया आपको 462 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ प्रिंस, ये क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया, इसका अभी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, इसका आंसर मैं बताने वाली नहीं हूं। क्वेश्चन देखो, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं, ये भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया, इसका रीजन भी बताई हूँ, इसका रीजन क्या बताया मैंने कि इसमें आयरन ज्यादा प्रेजेंट है ना, साथ साथ में CO2 भी प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स भी है, वाटर वेपर्स, इसमें वाटर वेपर्स भी है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में लिखोगे कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, ये आगे ही बताया मैंने। देखो क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट हैव फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, अब ये अलग होता है, व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, ये जब हम अर्थ पढ़ेंगे ना तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या फर्क है, तो अभी इसमें इसका आंसर दो कि विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, कौन सबसे ज्यादा रिवॉल्व करता है फास्टेस्ट में, तो इसका आंसर रहेगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सबसे ज्यादा करता है, ये छोटा भी है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, और सबसे स्लो कौन करता है, ये फास्टेस्ट की बात की जाए तो मर्क्यूरी, और स्लोएस्ट की बात की जाए तो
इसका आंसर आएगा नेपच्यून। ओके आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में से सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा गैनीमेड। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज, ये हमारे बचपन वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते थे ना पहले, ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे, यूनिवर्स भी नहीं बोलेंगे, सैटेलाइट भी नहीं, प्लैनेट भी नहीं, करेक्ट आंसर इज गैलेक्सी। चलो गैलेक्सी देखें, तो हमारी सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है, कौन से गैलेक्सी में लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, क्या आएगा इसका आंसर आएगा मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी मीन्स हमारी जो पूरी सोलर सिस्टम है, सन, मर्क्यूरी, वीनस, जो भी हमने अभी पढ़े, तो वो सारी मिल्की वे गैलेक्सी में आती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी करना है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोग्राफी, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इसको बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। देखो कॉस्मोग्राफी एंड कॉस्मोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टडी करना है तो दैट इज कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, विच इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। अभी लगाओ आप, इसका आंसर आप ही दोगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज येलो प्लैनेट, येलो प्लैनेट किसको बोलते हैं, ये वीनस को बोलते हैं येलो प्लैनेट। ओके किसको बोलते हैं, वीनस को। देखो अभी जितने भी हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी डाउट्स थे, वो यहाँ पे इस सेशन में मैंने ले लियो। मोस्टली पूछते क्वेश्चंस तो इसी क्वेश्चन में से पूछते हैं, और हमारे एग्जाम में ज्यादा डीप तो हम लोग जाते नहीं है, जो भी है तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद हम आगे वाले लेक्चर्स में क्या देखने वाले हैं कि जैसे अभी हमारी सोलर सिस्टम पढ़ के हुई, आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे अर्थ, अर्थ से स्टार्ट करेंगे, अर्थ का इंटीरियर थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम एटमॉस्फेयर पे जाएंगे। अर्थ से रिलेटेड हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मतलब जो भी है, व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ा इसको स्टडी करेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन आए तो हम छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ तो लिख के आए, ताकि हमने इतना पढ़ा है, क्योंकि एक दो मार्क्स ही कभी कभी सिलेक्शन चला जाता है, तो ऐसी गलती हमको करनी नहीं है। जो भी अभी डीएमआर में स्टूडेंट बच्चे लगे नहीं है, तो डीएचएस एक अच्छा चांस है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।